एक ऐसा सितारा जिसका नाम ही बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, उन्हें एक अचानक से झटका लगा हो। जी हाँ, बात हो रही है संजय दत्त की। हाल ही में खबरें आई थी कि उनका यूके वीजा रद्द हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें अजय देवगन की फिल्म शराफ सरदार 2 छोड़नी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। संजय दत्त ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात करते हुए बताया कि उन्होंने तो सारे नियमों का पालन किया था, फिर भी उनका वीजा क्यों रद्द हुआ, ये उन्हें भी समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब कैसे हो सकता है। संजय दत्त ने यूके वीजा कैंसिल होने की खबर से काफी निराश है। उन्होंने कहा, मैंने यूके जाने के लिए बहुत कुछ किया था, सब कुछ बिल्कुल तैयार था, लेकिन अचानक से ये झटका लगा। समझ नहीं आ रहा कि यूके वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो सारे कागजात पूरे कर दिए थे, पहले क्यों दिया वीजा, फिर क्यों रद्द किया। संजू बाबा ने बताया कि उन्होंने यूके जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, पासपोर्ट वीजा टिकट सब कुछ सेट था। एक महीने पहले तो वीजा भी मिल गया था, लेकिन अचानक से सब कुछ हवा हो गया, वीजा रद्द हो गया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं कानून का पालन करने वाला इंसान हूँ, एक तरफ तो है बॉलीवुड का बड़ा नाम संजय दत्त और दूसरी तरफ है एक 31 साल पुराना काला अध्याय। 1993 में जब मुंबई में बम धमाकों की दहशत फैली हुई थी, तब संजय दत्त का नाम भी इस मामले में जोड़ा गया था। उन्हें अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाया गया और जेल के सलाखों के पीछे बिताने पड़े 5 साल। जेल से छूटने के बाद संजय दत्त अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये काला अध्याय हमेशा उनका पीछा करता रहा, खासकर जब बात विदेश जाने की आई। 1993 के केस के चलते संजय दत्त पर विदेश जाने की पाबंदी लग गई थी, यूके का वीजा बस एक खौफ बनकर रह गया। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहेटो को सब्सक्राइब करें।